हमारा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ट्रैवल अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन फिगर। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द पोजीशन बी ऑफ पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पोजीशंस ए एंड बी हैज द सेम डायरेक्शन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट ए है। एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैवल करना इस, और वो इस कर्व, इस कर्व की तरह मूव करता है, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है वो निकालने को, अप्रॉक्सीमेटली द पोजीशन बी, हमें एक पोजीशन बी निकालनी है पार्टिकल की, जिसमें ताकि उसकी जो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए और जो भी हमारा पॉइंट बी होगा उसके बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन सेम होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, हमें एक ऐसा पॉइंट बी निकालना है, ठीक है। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है स्लोप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो होती है स्लोप। अब स्लोप हम किसी भी कर्व में कैसे लिखते हैं, एक टेंजेंट बना के दिखाते हैं स्लोप को, है ना। स्लोप की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट होती है, किसी भी कर्व में एक टेंजेंट बना दे अगर हम, तो वो बन जाती है उसकी स्लोप। अब अगर हम पॉइंट बी कहीं यहाँ पे लें, अगर हम यहाँ पे पॉइंट बी लें, देखो ये पॉइंट बी ले लिया हमने, तो हमारा जो ए बी होएगा पोजीशन ए बी, तो वो ये हो जाएगी, है ना, ये हमारा ए बी वैक्टर बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया जो उसने, और डिस्प्लेसमेंट आ गई तभी तो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी ना। देखो एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, है ना। तो ये आ गया हमारा ए बी वैक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब उसने बोला है, अब जो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में है। और अगर हम पॉइंट बी पे एक टेंजेंट बनाए तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब स्लोप, टेंजेंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो स्लोप की डायरेक्शन ये रही, और उसी इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी डायरेक्शन ये रही। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये है 5, तो एट 5, 3 आ गया हमारा आंसर, ये पॉइंट बी हमारा 5, 3 पे है, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।